नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिस उपाय पर यदि अमल करते हैं, जिसे यदि आप आजमाते हैं, यदि आप अपने भाग्य के अवरुद्ध होने से दुखी हैं तो इस उपाय से आपका भाग्य भी उदय हो सकता है। इतना चमत्कारी उपाय इसे बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में यंत्र मंत्र तंत्र तीनों से संबंधित बहुत कम ही ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें यदि व्यक्ति आजमाए तो अति शीघ्र ही उनका चमत्कारी प्रतिफल देखने में आता है। यह उपाय भी एक ऐसा ही उपाय है। इस उपाय के बारे में कहा गया है कि जब व्यक्ति के कदम थक जाते हैं अत्यधिक परिश्रम श्रम करके और उसके जीवन में सफलता कहीं भी नजर नहीं आती, असफलता ही असफलता उसे जब प्राप्त होती है, तो उस परिस्थिति में यदि व्यक्ति इस उपाय को आजमाए तो उसे इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आते हैं। उसे कहीं ना कहीं उसका मार्ग खुल जाता है और एक प्रकार से अवरुद्ध भाग्य भी, जो रुकावट भाग्य में, वो दूर हो जाती है और भाग्य व्यक्ति का उदय हो जाता है। बताया गया है इससे संबंधित भी एक उपाय हम बहुत 1-2 वर्ष पूर्व YouTube पे लाए हुए हैं। बताया गया है कि व्यक्ति का कोई घिसा हुआ या यूजलेस, जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा कोई जूता या चप्पल, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों का, उनके सैंडल हो सकते हैं, यदि जो परेशान है इन चीजों से और कहीं से भी भाग्य उदय नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसा घिसा हुआ या यूजलेस, जो फटा हुआ जिसका कोई उपयोग नहीं है, जूता या चप्पल, उसे वैसे तो यह बताया गया है कि अपनी जन्म कुंडली की स्थिति देखते हुए सबसे कमजोर जो ग्रह हो उसके वार के अनुसार उस दिन इसे करना चाहिए। अन्यथा इसको आप अपने जन्म वार के दिन भी कर सकते हैं या शुक्रवार शनिवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है, जन्म वासर के दिन भी, और भी कई तिथियां हैं, लेकिन जो सरल तिथियां हैं वह आपको हम बता रहे हैं। पहले ग्रह जो सबसे ज्यादा कमजोर है यदि आप जानते हैं तो उससे संबंधित वासर के दिन, दूसरा इसे अपने जन्म वासर के दिन भी कर सकते हैं यदि भाग्य उदय से परेशान है, क्योंकि उसी वासर के दिन आपका जन्म हुआ है, तीसरा शुक्रवार और शनिवार, शनि का भी, क्योंकि इनसे 12 से संबंधित जो ग्रह होते हैं उनसे संबंधित ही अक्सर हमें ज्यादा पीड़ा देखने में आती है, तो इस दिन आप कर सकते हैं। तो बताया गया है इस दिन अपने बाएं पांव का जो चप्पल या जूता हो उसे जमीन में गाड़ दें या किसी नदी समंदर आदि में आप उसे धकेल दें, कुएं आदि में, जो ऐसी जगहों पे आप उसे धकेल दें या जमीन में उसे गाड़ दें। और दाहिने पांव, जो कि सफलता का पांव माना जाता है कि जब बाया पांव अत्यधिक हावी हो जाए तो तब दाएं पांव, जो कि सफलता का कारक है, सफलता नहीं मिल पाती, तो उसे बहुत नीचे नीचे स्तर पर, असफलता को निचले स्तर पर यानी कि नीचे दबा दिया जाए, और जो दाहिना पांव का चप्पल है जिसे सफलता का कारक माना जाता है उसे किसी ऐसे ऊंचे स्थान, पहाड़ी आदि पे रख दिया जाए या किसी ऊंची डाली आदि पे उसे टांग दिया जाए या उसे किसी ऊंचे आप बिल्डिंग आदि पे, जो बहुत ऊंची मंजिली बिल्डिंग हो जहां पे कोई आता है, वहां पर भी आप उसे दाहिने पांव के चप्पल आदि को रख सकते हैं। साय के समय में इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। सुबह साय दोनों की परिस्थितियां आप देख सकते हैं बनाते हुए तालमेल, तो बासर के दिन किसी भी समय पे किया जा सकता है। साय का समय यदि मिल जाए अगर व्यक्ति को ऊंचाई और जमीनी दोनों जगह, तो सोने पे सुहागा। इसके साथ साथ ही एक मंत्र भी इसके लिए दिया गया है कि जिस समय पे आप इसे ऊंचाई वाले जगह पे इसे छोड़ते हैं या लटकाते हैं, पेड़ में यदि इसको लटकाते हैं, तो उस समय के लिए एक मंत्र दिया गया है। तो मंत्र हिंदी में है, जो इसको बोला गया है जैसा लिखा गया है वैसा ही हम आप लोगों के लिए नोट करके लाए हैं, आप सुन लीजिएगा, ऐसा ही बोला जाएगा, बाद में आप कॉपी पेन लेकर लिख सकते हैं। जय हो डमरू वाले, बदल दे मेरे दिन काले, सुबह हुई शाम गई, बला पांव की रह गई, जा बला मैं चला, आए दिन रंगों वाले, जय हो डमरू वाले। वैसे तो इसको 9 बार प्रतिदिन
इसका जाप करना चाहिए इस प्रक्रिया को करने के बाद। किंतु वहां पर को भी जिस समय पे इसको लटकाया जाए तो उस समय पे बताया गया है कि जब आप इसको वहां पर को जाते हैं तो वहां पर को दो बार इस मंत्र को बोलिए, उसके बाद इसे टांग दीजिए। टांगने के बाद इस पे तीन बार इस मंत्र को और बोलिए। जापने के बाद जैसे आपने क्या कहते हैं, पहले दो बार जापे फिर इसको टांगे, टांगने के बाद आप नीचे आ जाए और वहां पर को तीन बार आप इसे जापे। उसके बाद जो आपके घर की दिशा है वहां की ओर आप मुड़े और वहां पर को रुक कर एक बार इस मंत्र को और जापे, जहां पर को आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं दाहिने पांव के चप्पल की जूते की जगह पे। और उसके बाद जब एक बार आप रुक कर वहां पर को जाप ले रहे हैं तो फिर चलते चलते आप इसे तीन बार जाप लें और सीधे अपने घर चले जाएं। बताया गया है कि इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो अवश्य ही आपको जो आप अत्यधिक परिश्रम श्रम कर रहे हैं और सफलता देखने में नहीं आ रही है, भाग्य अवरुद्ध भाग्य उदय देखने में नहीं आ रहा, या जो आपकी मंजिल आदि है आपको नहीं मिल पा रही है, इस उपाय को करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अपने कर्म को नित्य ही जारी रखना चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ ये चीज अकस्मात चमत्कारिक तौर पर कार्य करती है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी आज हम आप लोगों के लिए लेके आए। पूर्व में भी इससे संबंधित एक बहुत अच्छी जानकारी का, जूते चप्पल से संबंधित तो एक दो उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जो बताए गए हैं कि घिसे हुए चप्पल जब अत्यधिक सफल हम श्रम कर लेते हैं और सफलता नहीं मिल पाती है तो इन्हीं का काफी प्रभाव बताया गया है। तो अच्छे जानकारी के उपाय हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो यह जानकारी का उपाय यदि आप लोगों को पसंद आया तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।